हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा क्लास 10 और क्लास 12 के लिए जो एग्जाम हुआ था वह रिजल्ट डाउनलोड करने की प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा रिजल्ट आउट होने वाला है, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यह रिजल्ट कब आने वाला है, क्योंकि यह रिजल्ट जल्दी आने वाला है और आप रिजल्ट के इंतजार में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, यह जो आदेश है 9 मई 2023 को आया है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के द्वारा जारी किया गया है, और यहाँ पे डिटेल जानकारी देखें तो नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन क्लास 10th and 12th एग्जामिनेशन 2022-23। तो देखिए, CBSE के द्वारा जल्द ही रिजल्ट आ रहा है, और यह रिजल्ट कब डिक्लेयर हो रहा है यानी कल 12 मई 2023 को रिजल्ट आ रहा है, और यह रिजल्ट आपको कैसे डाउनलोड करना है ये मैं प्रोसेस बताऊंगा कि कल यह रिजल्ट आ रहा है यानी 12 मई 2023 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो ऑल इंडिया पर CBSE के द्वारा एग्जाम क्लास 10वीं और 12वीं का हुआ था वह रिजल्ट कल 11 मई 2023 को आ रहा है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए क्या क्या रिक्वायर हैं, तो देखिए, एक तो स्कूल का कोड लगेगा और आपका जो रोल नंबर है वो लगेगा। तो स्कूल का कोड आपको कैसे पता करना है कि जैसे ही आप एडमिट कार्ड अपना देखेंगे तो जल्दी ही आपको इसमें स्कूल का कोड मिल जाएगा। उसके बाद वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ ही मैं वेबसाइट का लिंक मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। तो देखिए, www.cbse.nic.in पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा www.cbserizult.nic.in पर आप चेक करेंगे। इसके अलावा www.result.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड करना है। इसके लिए आपका जो रिजल्ट है वो प्रोटेक्ट आएगा, यानी पासवर्ड जो डिजी लॉकर है उसमें पैक आता है और आपको पासवर्ड के थ्रू उसको ओपन करना रहता है। तो इसमें क्या है कि जो इंटायर स्कूल है उनके सारे स्कूल के लिए यह आदेश आया है कि आपको कल यानी 11 मई 2023 को क्लास 12 और क्लास 10 की सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए उमंग ऐप का यूज करना है आपको, और जैसे ही मोबाइल में यह ऐप इंस्टॉल करके आप रखेंगे, उसके बाद रिजल्ट आउट होने के बाद इस ऐप से आप खोलेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे, स्कूल कोड डालेंगे, तो यह जो रिजल्ट है CBSE क्लास 10th और क्लास 12th के लिए रिजल्ट आपको डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि और कहां से आपको डाउनलोड करना है, तो देखिए, ऐप के माध्यम से आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद डिटेल आप डिजी लॉकर एंड्रॉयड वाला डाउनलोड ऐप करते हैं तो अब जाकर आपको मोबाइल से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अदरवाइज गूगल क्रोम में आपको जाना है, और CBSE का वेबसाइट है उसका जो मैं बता रहा हूँ कि आपको cbse.digitallocker.gov.in पर जाकर भी आप लॉगिन करके अपना मार्कशीट यानी जो भी है आपके डिटेल जानकारी है वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब यह जो लिंक है CBSE का जो एडमिट कार्ड सॉरी रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए है वो cbse.nic.in पर जाकर आपको डाउनलोड करना है, या cbse.result.nic.in पर जाकर डाउनलोड करना है। और यहाँ पे देखिए कि कल यानी ये 11 मई 2023 को यहाँ पे स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि 11 मई 2023 को रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, और आपको कल आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी तरह का अपडेट और नई वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि